आज ब्रेड से बिल्कुल एक नए तरीके का चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता तैयार करेंगे जो बच्चे बड़े सभी को पसंद होता है। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफें भी करेंगे। तो देखिए है ना बिल्कुल नया, तो चलिए तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसे बनाने के लिए बड़ा बोल लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं 4 चम्मच मैदा। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी तैयार करेंगे, यानी कि एक घोल बनाएंगे जो कि बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बस इसे हम अब साइड में रख देते हैं। अब दूसरा हमने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लेक्स, इसी से हमारा आज का नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनेगा। बहुत ही इजीली ये मिल ही जाता है, घर में अवेलेबल होता है। इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे, चाहे तो आप ब्लेंडर जार में डालकर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो ये भी तैयारी हमारी हो गई है, हमारा कॉर्नफ्लेक्स। इसकी जगह पर आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो अब हम एक मसाला तैयार करने वाले हैं। इसमें हम कढ़ाई में डाल रहे हैं 2 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच जीरा भून लेंगे और इसमें डाले हैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डालकर भून सकते हैं, मैं बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के इसको बना रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हमने उबले हुए आलू लिए हैं यहाँ पर 4। चारों आलू को हम इस तरह से हाथ से मैश करके डालेंगे। आप चाहें तो पहले ही मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू उबलने के बाद थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अब डालें 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बस ये सभी चीजें आलू के साथ हमें भून लेनी है। आलू को थोड़ा सा हम मैश करते हुए भूनेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसमें डाल रहे 1/4 चम्मच गरम मसाला, अब हमने यहाँ पर आलू को भून लिया है तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही डालें इसमें अमचूर पाउडर। इसकी जगह पर आप चाट मसाला ले सकते हैं या फिर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो बस अब ये सभी चीजें हमें मिक्स करनी है और बहुत अच्छे से आलूओं को भून लेना है। हमारा जो ये मसाला है चटपटा एकदम बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हो जाता है। तो बस मसाला भुन चुका है, अब हम क्या करेंगे इसको दूसरे बोल में ट्रांसफर करेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हमने ये आज का स्नैक्स बनाया है ब्रेड से, तो यहाँ पर 5-6 स्लाइस में ब्रेड की लूंगी और कोई भी ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो साइड्स हैं उसे हम निकाल देंगे और जो साइड्स हम निकाल रहे हैं उनको हम फेंकेंगे नहीं, इनसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का यूज किया है, आप इनका ब्रेड क्रम्स बनाकर कॉर्नफ्लेक्स की जगह पर ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सारी ब्रेड से साइड्स को निकाल लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं, ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। अब हमने जो ये ब्रेड ली थी बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है, हमें फ्रेश ब्रेड इसके लिए लेनी है और इसको हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। तो बिल्कुल पतला और इसे फ्लैट कर लेंगे ताकि बहुत ही इजी हमारी कोन बन जाएगी। तो आज हम ब्रेड कोन बनाएंगे, बहुत ही चटपटी मसालेदार और इतना टेस्टी है ना, अगर आपके घर में पार्टी वगैरह है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सभी ब्रेड पीसेस को तैयार कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गए एकदम चपाती जैसे। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लरी हमने तैयार की थी ये हम इस ब्रेड पर साइड्स में लगा लेंगे, अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं कि हम कम लगाएंगे तो ये खुल सकती है। अब हमने जो ब्रेड लिया उसकी साइड्स लेंगे कॉर्नर्स को और इस तरह से उसे चिपका देंगे एक दूसरे के साथ। देखिए इस तरह से हमारी कोन बनके तैयार हो जाती है। हाथ से अच्छे से इसको चिपकाएंगे, बिल्कुल सील कर देंगे।
अगर आपको लग रहा है कोई ब्रेड कहीं से टूट रही है तो आप ये मैदा कल गोल लगाकर इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया कोन हमारी तैयार हो गई है ना। बस इसी तरह से हमें सभी कोन तैयार कर लेने हैं। तो अब हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे जो कि ठंडी हो चुकी है। अच्छे से हम इसमें मसाला भर सकते हैं। मसाला भरने के बाद ऊपर भी हम इसपे स्लैरी लगा देंगे और इसको इस तरह से सील कर देंगे। देखिए इस तरह से। आपको अगर ब्रेड लग रहा है टूट रही है या थोड़ी बहुत भी सॉफ्ट है तो बस कोई बात नहीं है, मैदा से जब हम स्लैरी लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया कोन बन गई है ना, ये हमारी ब्रेड कोन जो बहुत ही टेस्टी भी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। आपको कोई आटा वाटा मलने का कोई झंझट नहीं है ना। तो देखिए हमने जो ये कॉर्नर्स हैं उठाए हैं और साइड में ऐसे इनको चिपका दिया है, नीचे से बहुत अच्छे से चिपका देंगे बिल्कुल भी। देखिए हाथ से इस तरह से लॉक कर दें और कितनी बढ़िया हमारी कोन बन जाती है। आप किसी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो यकीन मानिए वो आपसे जरूर पूछेगा आपने इसे बनाया कैसे है। तो देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेड कोन्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6-7 ब्रेड कोन तैयार की हैं और अब ये जो स्लैरी है इसमें हम ये कोन को डिप करेंगे। अच्छे से हम बिल्कुल कोट कर लें चारों तरफ से इसको घुमाकर, और जो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स ग्राइंड किया था उसको हम चारों तरफ से इसको कोट कर देंगे। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगा रहे हैं तो आप ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको इसमें दिखा दूंगी। तो ये देखिए हमारी जो कोन है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बस हमें सभी कोन तैयार करने हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी क्रंची बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल एक नए तरीके का नाश्ता है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ नया स्नैक्स चाहिए, तो आप इस तरह से स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं जो बहुत पसंद आने वाला है। देखिए अब मैं यहाँ पर इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों ही तरीके से यहाँ पर तैयार किए हैं और सभी कोन हमने तैयार कर ली हैं यहाँ पर। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जल्दी है, 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं, या फिर आपके घर पार्टी है तो आप 1 रात पहले भी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको करीब 1 घंटे के लिए रखा था और मैंने सीधा फ्रीजर में ही रखा था जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को हमें तेज गरम करना है, अच्छे से तेज गरम ऑयल में हमें फ्राई करना है। तो एक एक कोन करके हम देखिए ऑयल में छोड़ देंगे और जब तक ये लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा तब तक टच नहीं करेंगे। अच्छा इसमें ना सबसे अच्छी बात है जब हम इसे ऑयल में फ्राई कर रहे हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं सोखती है ये, क्योंकि हमने जो इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट किया है वो ऑयल बिल्कुल पीते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम ड्राई रहती है। तो बस जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर में नहीं आ जाता, क्रंची नहीं हो जाता, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पर मीडियम हीट पर इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर आ चुका है और अब हम इसे ऑयल से निकाल देंगे। तो हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से गर्मा गर्म कोन कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी कोन हमारी तैयार हो गई है, एकदम क्रिस्पी क्रंची चटपटा सा नाश्ता। तो मैं आपको इसका क्रंच भी एक बार सुना देती हूँ। देखिए कितना क्रंची है। तो देखिए यहाँ पर इसे हम खोलकर आपको चेक करा देते हैं इसकी स्टफिंग। इतनी टेस्टी क्रंची एकदम कुरकुरी झटपट से बनने वाली ब्रेड कोन
इसे तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।